कितनी सस्ती होती हैं दुआएं। आज जाना मैंने जब एक गरीब लाखों करोड़ों की दुआएं एक रुपये में दे गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ्स गुड लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज संडे है और मैं जा रहा हूं जुहू बीच। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जुहू बीच इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बीच इन मुंबई। तो आज देखते हैं लॉकडाउन के बाद में वहां पर कितनी रश है, खाने पीने की क्या क्या चीजें अवेलेबल है। वैसे तो जुहू बीच पे जो सबसे ज्यादा जो फेमस खाने की चीज है वो है पाव भाजी, और इसके साथ में है बर्फ का गोला। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ जुहू बीच और देखते हैं वहां पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है, और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि लॉकडाउन के बाद में करीब करीब मैं 8 से 9 महीने के बाद जा रहा हूँ वहां पर। तो मैं भी उस जगह को मिस कर रहा था, बिकॉज जुहू बीच जो है एक हमारे यहाँ मुंबई का बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट और यहाँ के लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहां का क्या हाल होने वाला है। बहुत एंजॉय करने वाले हैं आज, प्लीज मेरे साथ बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। सो फ्रेंड्स, ये है अमिताभ बच्चन जी का घर, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, अब जस्ट अब हम जुहू बीच के काफी करीब आ चुके हैं। ये है JW मैरियट, अगर आप देख सकते हैं तो JW मैरियट होटल इन जुहू। हम यहां पर पार्किंग चार्जेस पे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं जुहू बीच, और मेरे पीछे है भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू। बस अब यहां से होते हुए मैं जुहू बीच के अंदर एंट्री ले रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द दुकानें जो है वो बंद चल रही है लॉकडाउन खुलने के बावजूद। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी दुकानें बंद है, एक्सेप्ट वन और टू शॉप्स विच इज वेयर द ओनली वाटर्स आर अवेलेबल। आप देख सकते हैं खाली पानी वगैरह अवेलेबल है, बाकी सारी दुकानें बंद है। कि जस्ट हैव अ लुक, सो आई डू नॉट नो कब तक ये बाकी की दुकानें वगैरह खुलेंगी। तो लेट्स सी, मैं बात करता हूँ भाई सबसे, क्या बोलते हैं भाई, कभी तक तो दुकान वगैरह खुलने वाला है? 15 अक्टूबर तो है। खाली थोड़ा बहुत खुला है खाली ऐसा बस। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी जस्ट बात किया, सो दे आर टेलिंग दैट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑल द शॉप्स हियर एट जुहू बीच इज अराउंड 15th of October। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये 15th October तक खुल जाए, सो द पीपल हियर इन मुंबई एंड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया कैन कम एंड एंजॉय एट जुहू बीच। यू नो, एट जुहू बीच पाव भाजी एंड काला खट्टा, व्हाट वी कॉल एज अ बर्फ का गोला, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। क्राउड देखिए, सीधी क्राउड एट जुहू बीच। रश तो नजर आ रहा है यहां पर। जुहू बीच इज वेरी पॉपुलर इन मुंबई, मुंबई के लोग भी यहां पर आना बहुत पसंद करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जुहू बीच का क्या हाल है लॉकडाउन खुलने के बाद। फैमिलीज भी नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, देखने में ऐसे समझ में आ रहा है। अब देखिए है कि नहीं। कितनी दिया? छोटा 30 का, बड़ा 40 का। अब देखिए जुहू बीच पे भुट्टा जो है ना बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। तो जू भी चाहते तो भुट्टा खाना पसंद करते हैं लोग, एंजॉय करते हैं भुट्टा खाते हुए। फैमिलीज भी आपको बहुत सारी नजर आएगी जू बीच पर। चलिए चलते हैं पानी के अंदर और देखते हैं कैसा मजा आने वाला है। लोग काफी दूर दूर खड़े हैं वैसे तो, अब देख सकते हैं बहुत मजा आ रहा है, खूब ठंडा माहौल है।
ठंडा लग रहा है काफी यहाँ पर। वाओ, आई एम कमिंग टू जुहू बीच अराउंड आफ्टर 8 to 9 months ऑफ टाइम आफ्टर दी COVID-19। उसके पहले मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा आया हुआ था यहाँ पर। मेरी वाइफ को बहुत पसंद आता है यहाँ पर आने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ शी इज़ एट हर मॉम्स प्लेस, सो आई कुड नॉट ब्रिंग हर टुडे। मैं डेफिनेटली अगली बार जब भी उनको आऊँगा तो उनको लेके आऊँगा यहाँ पर साथ में। वाओ, सो जबरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। यू कैन सी दिस, लहर देखिए, अब देख रहे हैं ना, माशाअल्लाह क्या लहर है। हवा इतनी अच्छी है कि पूछो मत, दिल खुश हो गया पूरा। दिस इज जुहू बीच, वन ऑफ द पॉपुलर बीचेस हियर इन मुंबई। सी द सिचुएशन हियर इन जुहू बीच आफ्टर द लॉकडाउन। Wow, it's fantastic. है ना? See, मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई है नहीं। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं थोड़ा सा फ्रेंकली आई एम स्केर्ड ऑफ COVID-19। आप अगर नोटिस करेंगे तो मैंने मेरा मास्क भी नहीं निकाला है अभी तक। लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जुहू बीच जो है ना बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, इट्स इन अ वेरी बिग एरिया, जस्ट हैव अ लुक। सी, अब देख सकते हैं मैं काफी दूर खड़ा हूँ लोगों से। देखिए लोग यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं, इफ यू सी पानी के अंदर नहा रहे हैं मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो। वाओ, फैंटास्टिक, आफ्टर द लॉकडाउन People are there on the beach. मैंने सोचा था कि इतनी रश नहीं होगी frankly, but बहुत लोग आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे लोग ने भी आने यहाँ पे प्रेफर किया है। बट मैं एक बात बता दूँ, बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ इसमें, इवन स्मॉल kids, which is very risky. उनके पेरेंट्स को, अपने बच्चों को और उनको खुद को भी मास्क लगाना चाहिए। Yeah, that is a must in this COVID-19 situation. चलिए चलते हैं पानी के अंदर अभी। वाओ, सो लेट्स गो लिटिल मोर इनसाइड द वाटर। देखिए लहर, देखिए लहर आ रही है। मजा आ रहा है फ्रेंड्स। सी, अगर आप देखेंगे तो बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। Even the small kids are enjoying in this beach. Friends, मैंने सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आ जाएगा जुहू बीच पे। और मैं थोड़ा सा बता दूँ, मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ खड़ा हूँ, सो दैट मैं थोड़ा सा पब्लिक से बच भी रहा था। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत क्राउड है। जस्ट हैव अ लुक। आप देख सकते हैं उस तरफ काफ़ी क्राउड है, बहुत लोग हैं वहाँ पर, देखिए। बट मैंने ऐसे जगह पर रुकना पसंद किया जहां पर लोग कम है एकदम। सो आई वुड से फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू कम टू जुहू बीच ना, यू कम अराउंड 4:00, 4:30, सो दैट इवनिंग का जो मजा है यहां पर आने का, इट्स माइंड ब्लोइंग। बहुत मजा आता है इवनिंग में आने के लिए यहां पर। स्टिल ड्यू टू COVID-19 इतना रश नहीं नजर आ रहा है, अदरवाइज ऑन संडेज जुहू बीच इज कम्प्लीटली फुल, पूरा भरा हुआ होता है। बट COVID-19 की वजह से इतना फुल नहीं नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं पब्लिक बहुत कम है। यू कैन हैव अ लुक वंस अगेन। दिस इज माई वे ऑफ रोटेटिंग द कैमरा, आई एंजॉय दैट, मुझे मजा आता है। आई लव ट्रैवलिंग। चलते हैं आगे। See the crow. Now, as soon as I go near to the crow, 1, 2,
3. Oh, let's have a closer look of the helicopter. There are more couples on the Juhu beach, I believe. Families are also there, but I seems to be more couple. I think lockdown mein phase hue the sab acha nikal ke bahar aa gaye. What is it, friends? So friends, this is a coconut tree. Bhai kitni diya? Kitni diya? Acha sir. Can see there is a variety of coconut water out over here. I would take a coconut, but rather I would not drink it. I would gift it to someone. कैसा अभी जू का क्या हाल है अभी? कब से खुला है? ये चालू हो गया अभी एक महीना हो गया इसे थोड़ा बहुत. एक महीना? हाँ, दो घंटे. फिर भी रश इतना नजर नहीं आ रहा है ना? शाम को 2 घंटे के लिए. 2 घंटे के लिए खाली बस. जान भाई, छोटा सा तकलीफ करेंगे मेरे लिए? वो माजी तक दे देंगे ले जाके? माजी जो बैठे हैं देखो सामने सामने. माजी, मेरे तरफ से आपके लिए. ठीक है, चलिए. थैंक यू. तो फ्रेंड्स देखिए, माजी इनका एक बेटा है, करीब करीब 20-21 साल का होगा. माजी 20-21 साल का रहेगा आपका बेटा. वो दिमाग, उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से माजी को जो यहाँ पर आकर काम करना पड़ता है. हस्बैंड भी अभी नहीं रहे. सो मैं आज माजी को कुछ मदद करना चाहूँगा मेरे तरफ से. सो फ्रेंड्स, अ स्मॉल गिफ्ट टू माजी फ्रॉम माई साइड. ओके, आई वुड लाइक टू गिफ्ट हर समथिंग. माजी, नारियल पानी पिया, आपको कैसे लगा? अच्छा, पीने को नहीं हो रहा, बहुत है, बहुत ज्यादा है उसमें ना. मैंने आपके लिए बड़ा वाला लिया माजी, ठीक है ना? और ये मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए माजी, ठीक है ना माजी? ओके, प्लीज आपका आशीर्वाद दीजिए मुझे माजी. करोड़पति हो? अरे पैसे, इंसान पैसे से करोड़पति नहीं होता, दिल से करोड़पति होता है. दिल होना चाहिए. दिल होना चाहिए, इसीने तो दिया. हाँ ठीक है माजी, चलो. थैंक यू वेरी मच. सो फ्रेंड्स, फाइनली एन एग्जिट फ्रॉम जुहू बीच. आप लोगों को जुहू बीच कैसा लगा? प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, सो दैट आई कैन कीप गिविंग यू मोर वीडियोस ऑन द डेस्टिनेशंस. तो मैं मेरे सारे व्यूवर्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि वेन एवर यू ट्रैवल टू एनी डेस्टिनेशन ड्यूरिंग दिस COVID-19 टाइम, ट्रैवल विथ प्रॉपर केयर. ओके, इट्स नॉट ईजी टू ट्रैवल नाउ डेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं यहाँ से निकलूँगा एंड विल गो बैक टू माई होम. सो इफ यू लाइक माई दिस वीडियो ऑन जुहू बीच, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल सेफ्स गुड लाइफ. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय. बच्चों को खेलने की चीज़ें हैं ये, विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द जुहू बीच. भाई ये कितने का एक है? 150, नीचे का 100. सी, स्मॉलर वन इज़ 400 रुपीज़ एंड द बिगर वन फॉर 150. बच्चे एंजॉय करते हैं व्हेन दे कम एट द जुहू बीच.